नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे जीत का दावा। केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सोनू राय के परिजनों से की मुलाकात, कहा पुलिस जल्द करे हत्यारों को गिरफ्तार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कन्हैया कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर बोला हमला। और रंगदारी एवं अवैध वसूली के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। शनिवार को डीआरडीए सभागार में डीएम प्रणब कुमार, एसएसपी आशीष भारती ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित तैयारियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम ने कहा कि 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र संख्या 255 में सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। साथ ही दिव्यांग मतदाता के लिए 17 बूथों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 18 व्हील चेयर के माध्यम से दिव्यांग मतदाता केंद्र पहुंचकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। डीएम ने स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। वहीं बलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव के दौरान सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। किसी कारण से ऐसी संभावना जो व्यक्त की गई थी, जो लोगों का थी, उनका नीचे के लेवल से पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस पदाधिकारी जो लगातार तहसील है संबंधित जिलों में मतदान केंद्रों के आसपास, उनके द्वारा 845 ऐसे लोगों की सूची प्रदान की गई थी और सभी के खिलाफ 107 या कंसर्न जो भी कार्रवाई की जाने की वो कार्रवाई की गई। 845 लोगों के अभी से लेकर के आज तक चुनाव वाले दिन विशेष रूप से होंगे। 13 जगह चिन्हित किए गए हैं जिन जगहों पे चेक पोस्ट मारे बनाए जाएंगे जो नागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहेंगे, और कुल मिलाकर के बॉर्डर जो हमारे दूसरे जिलों से जो संपर्क स्थापित किया गया, तो 34 जगह चिन्हित किए गए जहाँ पे वहाँ बॉर्डर सील किया जाए ताकि नाथनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्णिया के प्रभारी मंत्री सह कानून मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने नाथनगर प्रखंड के भीमकित्ता, किशनपुर, रन्नूचक, नूरपुर, मिर्जापुर सहित दर्जनों गांव का दौरा कर एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने 15 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से जदयू प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की बात कही। चुनाव प्रचार के दौरान जदयू महासचिव शिशुपाल भारती, जीप उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप यादव, विजय यादव कई जदयू नेता मौजूद थे। इसके अतिरिक्त जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय 30 के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो उन्होंने चलाई है, ऐसे लोग जो 60 या उससे अधिक की उम्र पार कर चुके हैं, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, उनको राज्य सरकार पेंशन देगी। उसी योजना के तहत पेंशन की स्वीकृति भी हुई है, उनके खाते में राशि जा भी रही है। इन सारे मुद्दों के साथ साथ बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, अनेक कार्य बिहार के हित में हुए हैं, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि नाथनगर की महान जनता, यहाँ के महान मतदाता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा।
अब जनसंपर्क सर दो दिनों में आप कितने गांव में गए या कितने? पत्रकार महोदय, मैं श्री राम। विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने अपने समर्थकों के साथ नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर के दर्जनों गांव का दौरा किया। मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल समर्थकों ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए डॉक्टर अशोक के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार आलोक जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने बताया कि वह नाथनगर के विकास के लिए मैदान में खड़े हैं। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो नाथनगर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। जुलूस में सूरज, बिट्टू सिन्हा, हिमांशु शेखर, जितेंद्र मणि, राकेश, डब्लू यादव, शेखर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, हर जाति, हर धर्म, युवा से वृद्ध लेकर सबों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीत चुका हूँ। सबसे पहली बात ये, मैं चुनाव जीत चुका हूँ। और टक्कर की बात आप पूछ रहे थे, मुझे किसी से टक्कर नहीं है। समाज में इतनी समस्या है, मुझे उस समस्याओं से टक्कर है। मैं जीत कर समस्या का समाधान करूंगा और मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि कुछ कोई दूसरे प्रतिद्वंदी या प्रतिभागी मैदान में भी हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे जनता दिखाई पड़ते हैं, उनकी समस्या दिखाई पड़ती है और उसके समाधान के उपाय हम सोचते हैं, बस हमें यही दिखाई पड़ता है। पताका फहराने के पश्चात समाज का सेवा करते रहेगी, लगातार अनवरत करते रहेगी। क्या रूट चार्ट होगा आज आपका? हमारा नाथनगर से होते हुए हम लोग जगदीशपुर जाएंगे और फिर जगदीशपुर से सबौर जाएंगे और पुनः नियम के अनुसार आचार संहिता का पालन करते हुए 5 बजते हम लोग वापस आ जाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक जिंदाबाद। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को बेलहर विधानसभा से प्रत्याशी रामदेव यादव के पक्ष में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से तेजस्वी यादव नहीं पहुंच सके, जिसके बाद मंच पर मौजूद नेताओं के मोबाइल पर फोन कर तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति चाहता है। उन्होंने अपने पिता और परिवार के सदस्यों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से मार्मिक अपील करते हुए वोट देने की अपील की। केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने खरीक निवासी सोनू राय की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। शनिवार को मंत्री चौबे नौगछिया के खरीक स्थित जीप सदस्य गौरव राय के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने घटना में शामिल अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी और रेंज डीआईजी विकास वैभव से बात की। मंत्री ने कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़कर सख्त सजा दिलाएगी। मंत्री के साथ भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को भाकपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा के पक्ष में भाकपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कन्हैया कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। साजंगी के पीर मजार मैदान में कन्हैया कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है तो जनता को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वोट करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिसको क्रिकेट का ज्ञान नहीं है उसको अध्यक्ष बनाया गया है। कन्हैया कुमार ने सुधीर शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, गरीब की जो दिन ब दिन समस्याएं हैं उसमें वो जूझता जा रहा है। एक गरीब पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे को अच्छा काम मिलेगा और हम कच्चा मकान से पक्के मकान में पहुंच जाएंगे। 2 कमरे के मकान में रहते हैं तो हम 10 कमरे के मकान में पहुंच जाएंगे। साइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल खरीद। रंगदारी और अवैध वसूली के विरोध में कहलगांव अनुमंडल के सभी ई रिक्शा चालकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रखंड परिसर में धरना दिया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने अमापुर बस स्टैंड के किरानी और ऑटो चालक पर मारपीट करने और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल ई रिक्शा चालक प्रमोद महलदार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लोन लेकर जीविका के लिए ई रिक्शा को खरीदा गया, लेकिन इकचारी और आमापुर में ऑटो चालक पैसेंजर चढ़ाने पर मारपीट करते हैं। रिक्शा चालकों ने बताया कि सवारी नहीं मिलने से बैंक का लोन चुकाने में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, साथ ही रोजी रोटी की समस्या बढ़ जाएगी। रिक्शा चालकों ने SDO और DSP को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। झूठे वादों पर चोट करो, विकास के नाम पर वोट करो। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सुयोग कर्मठ एवं शिक्षित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को वोट करें एवं नीतीश सरकार के हाथों को और मजबूत करें। जनता की आवाज आप सबके चहेते लक्ष्मीकांत मंडल के चुनाव चिन्ह तीर छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है। वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही। चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567 6375423152462001022297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर इसाकचक थाना के सामने रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों को हटाने गई पुलिस कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने कहा कि सरकार बेघरों को बसाने से पहले ही उजाड़ रही है, पर्व त्यौहार का समय है और ऐसे में हमें हटाया जा रहा है, जो गलत है। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने 10 नवंबर तक जगह स्वयं खाली कर देने की बात कही। दंडाधिकारी सोनू भगत ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को पूर्व में नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं। सोनू भगत ने कहा कि 10 नवंबर तक अगर अवैध रूप से रह रहे लोग नहीं हटते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। का कुछ ये आगे कुछ पर्व है, त्योहार वगैरह, जिसके चलते लोग टाइम लिया है 10 नवंबर तक स्वयं खाली कर देगा। उसके बाद जो नहीं करेगा खाली, तो हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है करके उनको हटा। उनको तो पहले से भी नोटिस दिया गया होगा। हाँ, नोटिस दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को समाहरणालय के समीप परिवहन विभाग के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग बाइक चालकों को रोककर कागजातों की जांच की गई। वहीं कई वाहन चालकों से पुलिस कर्मियों ने जुर्माना राशि वसूल की, साथ ही ट्रैफिक रूल्स पालन करने को लेकर सख्त हिदायत भी दी। वहीं वाहनों की जाँच होता देख कई वाहन चालक दूसरे रास्ते से फरार हो गए। बांका के बेलहड़ विधानसभा में 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में जदयू के द्वारा बांका के सांसद गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव को टिकट दिए जाने से नाराज लोक जागृति वेदिका संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर के नेतृत्व में परिवारवाद के खिलाफ पूरे बेलहड़ विधानसभा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को शपथ दिलाकर परिवारवाद के खिलाफ मतदान करने का शपथ भी दिलाया जा रहा है। लोक जागृति वेदिका के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर के द्वारा मतदाताओं के नाम एक पत्र भी जारी किया गया है,
जिसमें कहा गया कि परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी जदयू आज परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बांका की समाजवादी धरती परिवारवादियों को हमेशा धूल चटाने का काम करते आ रही है और लोगों से परिवारवाद पर चोट करने और विकासवाद पर रिपोर्ट करने की अपील विश्वजीत दीपांकर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि युवा नेता विश्वजीत दीपांकर युवा जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और किसान पंचायत के प्रदेश संयोजक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। बांका के शंभुगंज प्रोन्नत मध्य विद्यालय बंधु डी में शनिवार को शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं शहीद उदय कुमार यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार यादव ने किया। इस दौरान शहीद उदय कुमार यादव के पिता रामविलास यादव ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर पुत्र पर गर्व है। उन्होंने सभी युवाओं से देश की सेवा के लिए अपना योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में SKM पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत एवं नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद अतिथियों ने भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर शंभुगंज थानाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, SKM पब्लिक स्कूल डाड़ी पकड़िया के गोपाल प्रसाद सिंह, संजय कुमार सिंह, RK सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुझे गौरव है, मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारा पुत्र देश की सेवा के लिए आतताइयों, नक्सलियों, विरोधियों, अलगाववादियों के साथ जो है संघर्ष करते हुए शहीद हो गए और वो शहीद हो गए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरा पुत्र मेरे आगे है, ताकि मैं जब इस सारे माहौल को देखता हूँ तो मेरा कलेजा जो है खुशी से जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और इससे ज़्यादा बढ़ के और मेरे जीवन में क्या उपलब्धि हो सकता है कि मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया और वो देश की सेवा के लिए लड़ते हुए विरोधियों, आतंकियों, नक्सलियों के साथ बलिदान हो गए, तो इसे और ज्यादा गौरव की। ऐसा वीर अगर हर गांव में पैदा हो जाए तो हमारे देश से आतंकवादी और माओवादी, नक्सलेटी जितना भी लोग हैं वो देश से मर मिटेंगे, उनका यहाँ नवो निद्याद नहीं रहेगा। हमारे गांव में अनेक आर्मी हैं, अनेक हमारे यहाँ फौजी हैं जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। प्रोन्नत मध्य विद्यालय बंधुडी अनेक सेना को जन्म दिया है और आशा करता हूँ कि हमारे वीर शहीद उदय कुमार मरे नहीं हैं, वो अजर अमर हैं और इसी तरह अन्य नेता, अन्य हमारे जो भी फौजी हैं वो अमर रहेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। शहीद स्वर्गीय उदय कुमार यादव जो कि नक्सली हमले में शहीद हुए थे, इनके सम्मान में आज हम लोग एक प्रोग्राम रखे थे स्कूल में बच्चों के बीच, जिसमें लोगों को यह संदेश जाए कि देश सेवा करने के लिए एक जज्बा होनी चाहिए और वैसी जज्बा और हर बच्चे में होनी चाहिए। यह माने बच्चों के बीच उनका जो साहस है, उनका जो जमाज है, जो उन्होंने जमाज का परिचय देते हुए अपने प्राण का न्योछावर किए थे, और वही संदेश बच्चों के बीच देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा शहीद दिवस का यहाँ पर आयोजन किया गया है। गंगा का जल स्तर घटने के साथ ही रंगरा प्रखंड के तीनटंगा पंचायत के दर्जनों गांव में भीषण कटाव शुरू हो गया है। तेजी से हो रहे कटाव के कारण कई ग्रामीणों के घर एवं जमीन नदी में समा गए। वहीं पंचायत के ज्ञानी दास टोला, भीम दास टोला, अजामाबाद, सिमरिया सहित कई गांव में कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कटाव के कारण हजारों की आबादी के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। तेजी से हो रहे कटाव से ग्रामीण काफी दहशत में। वहीं कटाव को देखते हुए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य शुरू कराने की मांग जिला प्रशासन से की। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आशा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, DM और SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे जीत का दावा। केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सोनू राय के परिजनों से की मुलाकात, कहा पुलिस जल्द करे हत्यारों को गिरफ्तार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कन्हैया कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर बोला हमला। और रंगदारी एवं अवैध वसूली के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने दिया धरना।
लालच बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।